हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय नेम इज़ रोहित और आज हम बात करने वाले हैं पेंसिल शेडिंग के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो पोर्ट्रेट हमने स्टार्ट करा है उसका मैं आज फिफ्थ पार्ट हम लेकर आए हैं। जो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, क्योंकि उस वाले पार्ट में हमने फेस का हाफ पोर्शन कवर करा था एक आई, और अब इस वाले पार्ट में हम उसका सेकेंड वाली आई को कवर करेंगे, उसके चीक वाले एरियाज को कवर करेंगे और फोरहेड को कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो बाकी बातें करेंगे वीडियो में। ओके तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक ही पेंसिल यूज़ करूँ लास्ट टाइम की तरह, मैं यहाँ पर शल्ड की एट भी पेंसिल यूज़ करूँ जो बहुत डार्क होती है, मैट फिनिश में आती है। और पहले मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले उसको मैंने आउटलाइन मार्क करी है, देन अब उसके ऊपर मैं लाइट लाइट टोन लगा रहा हूँ ताकि मुझे ईजी हो जाए टोन्स को आइडेंटिफाई करने में और जज करने में कि कहाँ पर डार्क और कहाँ पर लाइट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक ही एंगल पर पेंसिल को रखूँ कि जहाँ पर लाइट है वहाँ पे लाइट लेके चलूँ, साथ साथ जहाँ पे डार्क है वहाँ पर भी लाइट लेके चलता हूँ, ताकि डार्क को हम लाइट को हम बाद में डार्क कर सकते हैं, बट लाइट को डार्क तो कर सकते हैं बट डार्क को लाइट नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि ये पेंसिल जो होती है मैट फिनिश वाली पेंसिल, इसको इरेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको लाइट टू डार्क ही लेके चलूँ, और मैं सारे काम ऐसे ही करता हूँ लाइट टू डार्क ही, वो ज़्यादा अच्छा प्रोसेस लगता है मुझे। तो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाओ। और अभी तक अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लेना उसको, ताकि क्योंकि अगर आप ये सीरीज़ पूरी देखोगे तभी आपको पूरा क्लियर होगा। अगर अभी आप ये पहली बार देख रहे हो तो आप नीचे मेरी वीडियोस के सारे लिंक दिए हुए मैंने प्रीवियस पार्ट के, इसके जितने भी हैं। तो आई थिंक ये फिफ्थ पार्ट है हमारा, तो बाकी के जो फोर पार्ट हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उनका, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं धीरे धीरे डार्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल जब मैं को लाइट शेड करना होता हूँ बिल्कुल पीछे से पेंसिल को होल्ड करता हूँ एंड से, ताकि मैं ईजिली उसके ऊपर प्रेशर को कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि जब भी आप शेडिंग करते हैं तो पेंसिल के प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पेंसिल के प्रेशर को कितना अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, कितना डार्क उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना लाइट कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही पेंसिल से सारे शेड्स निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपको एक बार ये आ गया तो आप बहुत आराम से किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पेंसिल कंट्रोल करना सीख गए तो आपको ब्रश मीडियम को कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही डार्क पेंसिल को लेकर चलता हूँ, ताकि मैं एक ही सिंगल पेंसिल से और लाइट टू डार्क काम करके आराम से उसको पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर कि मुझे इरेजर तक ना यूज़ करना पड़े, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कम से कम इरेजर यूज़ करना पड़े इसलिए। तो अभी तक तो मैंने इस पर इरेजर नहीं करा यूज़, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिंकल्स पे काम कर रहा हूँ। रिंकल्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है क्या, पहले उसकी जो लाइट लाइन है, जो डार्क लाइन होती है, सॉरी डार्क लाइन है, उसको पहले मार्क कर लो हल्की सी, ज़्यादा डार्क नहीं, बहुत लाइटली मार्क कर लो, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि कहाँ पर डार्क और कहाँ पर लाइट है। आपको टोन्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप काम करते हो तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपको तीन टोन्स की ज़रूरत होती है, वो होता है मिडल टोन, लाइट टोन एंड डार्क टोन। तो जब आप ये टोन्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, टोन्स को ऑब्जर्व करने लगते हो, तो आप इजीली उसको अप्लाई भी कर पाते हो और उससे वॉल्यूम भी निकाल पाते हो आपके शेडिंग के थ्रू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आई कितने अच्छे से निकल कर आ गई, क्योंकि उसके आसपास का एरिया जो था, जो टोन्स थे वो मैंने मार्क कर ली हैं, वो अप्लाई कर दिए मैंने। तो जैसे ऊपर अभी आईब्रो के ऊपर मैं टोन्स लगा रहा हूँ, और टेक्सचर्स बनाने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रिबल फॉर्मेशन यूज़ करता हूँ, क्योंकि टेक्सचर स्किन के लिए, देखो टेक्सचर का मतलब होता है कि आप उसको एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते, है ना। हमें क्या करना है, उसको इंप्रेशनिज्म को फॉलो करना होता है, हम उसके इंप्रेशन को फॉलो करते हैं कहाँ पर डार्क और कहाँ पर लाइट है। आप कभी भी अगर आप देख रहे हो तो कोई भी एक एक डॉट को कॉपी नहीं करता, अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को देख रहे हो तो कोई एक एक डॉट को कॉपी नहीं करता, वो उसके इंप्रेशनिज्म को फॉलो करते हैं कहाँ पर डार्क और कहाँ पर लाइट है, और कोशिश करते हैं उसके सिमिलर सा जैसे सिमिलर बनाने की, है ना। तो इसलिए आप ये टेंशन मत लेना कि आपका सेम डॉट मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी रेफरेंस को देख के कोई डॉट डॉट मैच नहीं करने बैठेगा, आपके पूरे जो आप बना रहे हो आर्टवर्क उसको देख करके वो जज करेगा कि आप कैसा बनाया है आपने। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि राइट साइड वाली लेफ्ट साइड वाली नोज थोड़ी सी वो डार्क होनी चाहिए, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा और डार्क कर दिया, क्योंकि जब आप सामने से देखते हो चीज़ों को तो आपको चीज़ें क्लियर होती हैं, और आपको बार बार ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है ऑब्जर्व करना, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के तो नहीं हो सकती चीज़ें। आपको टोन्स को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि जब आप टोन्स को देखते हो तो अपने रेफरेंस में देखो कि कहाँ पे डार्क है और कहाँ पे लाइट है, उस चीज़ को देख करके आप जितना अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो उतना अच्छा है। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक प्रिंटआउट ले लो और उसके ऊपर डार्क टोन्स, लाइट टोन, मिडिल टोन्स को मार्क कर लो उस एरिया पे,
प्रिंट आउट के ऊपर, देन वो जब आप काम कर रहे हो, अपने शेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तो वो वहाँ से भी आप देख करके थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो, तो वो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छे से आपकी इंक्रीज़ करेगा कि आप टोन्स को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे नोज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ धीरे धीरे, अब मैं यहाँ पे पूरे चीक वाले एरिया पे लाइट टोन लगाइए, मैं थोड़ा इधर डार्क कर रहा हूँ नोज़ के पास, क्योंकि नोज़ की डेप तभी क्रिएट होगी जब उसके आसपास का एरिया डार्क होगा, क्योंकि लाइट की वैल्यू भी तभी होती है जब उसके आसपास का एरिया डार्क होगा, और डार्क की वैल्यू भी तभी होती है जब उसके आसपास का एरिया लाइट होगा। क्योंकि अगर मैं सेम पेपर पे ला करके, सपोज़ इमेजिन करो कि मैं एक वाइट पेपर है उसके ऊपर वाइट पेपर ला के दोबारा रख देता हूँ छोटा पीस, तो आपको नहीं विजिबल होगा ना। और अगर मैं वहीं पर ही अगर मैं दूसरा कोई पेपर ला करके रख दूँ, थोड़ा सा मिड ऑफ वाइट या थोड़ा सा ग्रेइश टोन ला के रख दूँ, तो आपको प्रॉपर विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो टोनल वैल्यू है वो अलग है, तभी आपको विजिबल हो रहा है वो, है ना। तो इसलिए आप जब भी काम करते हो तो आपको टोन्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी यहाँ पर मैं पूरे चीक पे एक लाइटर टोन लगा रहा हूँ, पहले मैं धीरे धीरे जो डार्कर एरिया था वहाँ पर टोन लगाई थी, अब मैं पूरे उस पर डार्क टोन लगाई लाइट टोन। अब जो डार्कर एरियाज़ हैं, जो चीक बोन चीक की जो लाइन है नोस्टिल के पास, मैं उसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, और मुस्टैच वाले एरियाज़ पे जहाँ पे मुस्टैच होती है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क करा, अब मैं उस एरिया को थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा टेक्स्चर्स क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्किन का जो टेक्स्चर है वो वॉल्यूम जो है वो एक कर्व फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर मैं उसी फॉर्मेशन में उसको थोड़ा सा लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, और स्क्रिबल फॉर्मेशन में मैं ड्रॉ करता हूँ हमेशा। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मेरा कोई भी लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं है, मैं लाइंस के अंदर प्रेशर को यूज़ करता हूँ कि कितना डार्क और कितना लाइट मुझे पेंसिल को यूज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है ग्रेडेशन लाइंस के ऊपर, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जा करके देखो, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि ये जो मैंने प्रोसेस स्टार्ट करा है ये प्रॉपर हमने स्टेप वन से स्टार्ट किया था, और आज हम स्टेप फिफ्थ पर हैं, एपिसोड फिफ्थ पर हैं, क्योंकि पहले हमने बहुत लाइंस कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करी थी, प्लस आपको कैसे शेडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए उसके बारे में बात करी थी, पेंसिल को कैसे होल्ड करना चाहिए उसके बारे में बात करी हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगता है इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या वो क्या हेल्पफुल लगा, और आप कैसे काम करते हो, आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, मैंने आईब्रोज़ के लिए उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करके यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करी हैं, क्योंकि हेयर के लिए भी हम एक एक हेयर को कॉपी नहीं करते, हम उनके डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं कि उनकी डायरेक्शन कैसी हैं, तो हम उनके डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं कि वो कैसे फॉर्मेशन में जा रहे हैं और कहाँ पर डार्क और कहाँ पर लाइट है। अगर आपको ये लगता है कि आप एक एक हेयर को कॉपी कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक हेयर को कॉपी कर लो, क्योंकि बेसिकली होता क्या, हेयर हम कॉपी नहीं करते हैं, उसके इंप्रेशनिज्म पे जाते हैं। अगर आप पहले के आर्टिस्ट की बात करेंगे तो सारे आर्टिस्ट, मोस्टली जो आर्टिस्ट थे पहले, इंप्रेशनिज्म पे काम करते थे। बीच ये सीरीज़ होती है, इंप्रेशनिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, तो इंप्रेशनिज्म में होता क्या बेसिकली, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। और मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इंप्रेशनिज्म जो है, तो जो इंप्रेशनिज्म होता है बेसिकली होता ये है उसमें कि हम किसी भी चीज़ को ऐसे कॉपी नहीं करते, हम उसके इंप्रेशनिज्म पे जाते हैं। जैसे अगर आप स्पैचुला टेक्निक देखते हो, या अगर आप वो टेक्निक जब देखते हो जहाँ पे पैच स्टोन में काम किया जाता है, वो इंप्रेशनिज्म का काम होता है। क्योंकि अगर पास से देखोगे तो वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती, बट अगर आप उसी चीज़ को दूर से देखते हो तो वो आपको एक लैंडस्केप का फील या फिर एक पोर्ट्रेट का फील देते हैं। तो उसके लिए मैंने एक आर्टवर्क बना के डाला हुआ है यहाँ पे मेरे वीडियोज़ में, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा नीचे, तो आप उसको देख सकते हो। पास से अगर आप देखोगे उसको तो बहुत पैच पैच से लगेंगे, हर एक अलग एक मोटा मोटा टोन लगा होता है, बट जैसे ही उसको मैं जूम आउट करता हूँ तो वो एक प्रॉपर एक आर्टवर्क दिखाई देता है, वो एक पोर्ट्रेट है। तो वो इंप्रेशनिज्म होता है। तो इंप्रेशनिज्म अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो इसके ऊपर से मैं डिटेल में और वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट हम टॉपिक क्या स्टार्ट करें इसके बाद, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो तक मैं इसको जो इसका टर्पन वाला जो एरिया है, जो क्लॉथ वाला जो एरिया है, वो मैं कवर कर लूँ और पूरा इसको हम कंप्लीट करें। क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरा प्लान है कि मैं चारकोल स्टार्ट करूँ। आपको क्या लगता है हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं धीरे धीरे इसको डार्क कर रहा हूँ और फाइनल टचेस दे रहा हूँ इसकी टोन्स को लेकर के, कहाँ पे और डार्क होना चाहिए, कहाँ पे और लाइट होना चाहिए। तो अभी देखो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है थोड़ा डार्क है, देन उसके बाद उधर उसका जो उन्होंने कपड़ा लपेट रखा अपने फेस के ऊपर वो है। और अगर आप ये पेंसिल परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अपने सारे प्रोडक्ट्स का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से कर सकते हैं परचेज। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आप लोग उसको देख पाओ।
और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।